पंजाब सरकार ने बुजुर्गों ते अंगहीणा दी पेंशन नूं वधा के गरीब परिवारों नूं तोहफा दिता है। अज हलका विधायक कादियां फतेह जंग सिंह बाजवा ने पेंशन दी सहूलत लैके परिवारों नूं पेंशन विच होए वाधे दे चैक वंडे अते कहा कि बादल सरकार वेले यह पेंशन सिर्फ 500 सी, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार ने इस नूं वधा के 1500 कर दिता। उन्होंने कहा कि जे परमात्मा की कृपा रही अते तुहाडा साथ रहा तां 2022 दीआं चोणां जित्तण तों बाद यह पेंशन 2500 रुपए कर दिती जाएगी। कादियां तो सलाम तारी अते मकबूल अहमद दी रिपोर्ट। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 2000 ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 500 ਰੁਪਇਆ 9 साल जाके उन्होंने की सी। असी साडी सरकार ने 4.5 साल च 500 तो 1500 रुपया जी पेंशन वधाई है। मैं समझना इहदे नाल बहुत सारे जिहड़े साडे बजुर्ग ने, साडिया विडो, साडिया भैणां ने, उन्हां दा बहुत होण गुजारा हो जाएगा, क्योंकि 700-500 रुपये ना ते उन्हां दी दवाई भी नहीं सी अज तक। जो जो तुम वडेरी उम्र से जाते हो त्यों त्यों तुम डॉक्टर और दवाइया की लोड़ पड़ती है। तो मैं समझना बड़ी अच्छी सोच है कैप्टन साहब की भी उन्होंने 1500 रुपया पेंशन की है। गुरु महाराज उन्होंने पंजाब के लोग, गुरु महाराज कृपा करन ते पंजाब के लोग उन्होंने उन्होंने स्कीमां नूं वेखदे होया उन्होंने अगली सरकार 2022 की उहदे विच उन्होंने वोटा पा के दोबारा मुख्यमंत्री बना। ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ